हेलो फ्रेंड्स, मैं सतन चौहान और स्वागत करता हूं दोस्तों आपका इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस होंडा साइन के ऊपर आल टू आल रिव्यू करने वाले हैं और फुल डिटेल के बारे में बात करेंगे, जो कि इसकी डिटेल सारी मेरे हाथों में है और इसकी हर एक डिटेल्स, हर एक फीचर्स, जितनी भी चीज़ें हैं इसके निचोड़ हम बताने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग एजेंसी के साथ जुड़े रहते हैं और सारी कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं जो कि हम बाइक रिव्यू करते रहते हैं। तो बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के साथ हमेशा, अगर कोई रिश्तेदार वाली बाइक लेते हैं तो हम लोग पूरे उसकी डिटेल और ऑन रोड प्राइस और जितने भी ऑफर्स चलती रहती हैं उसके बारे में हर एक डिटेल शेयर कर देंगे और आप लोगों को नंबर भी नीचे दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने मेटालिक रेड कलर के देखने को आपको बाइक मिल जाती है। और दोस्तों, ये आप लोग हाइलोजन में देख सकते हैं, ये जो बल्ब है हाइलोजन में है और यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग डिजाइनिंग साथ मिलता है और यहाँ पे स्टिकर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी बात कि ये डिस्क ब्रेक में आती है, जो कि आप लोगों को 230 mm में देखने को आप मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 230 mm की आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। और यहाँ पे जो आपको टायर्स मिलेंगे, दोनों ट्यूबलेस, दोनों में फ्रंट और रियर दोनों में आप लोगों को ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो इसके सामने जो हॉर्न दिख रही है, ये आप लोगों को हॉर्न मेड इन इंडिया मिल जाएगी दोस्तों। ये मेड इन चाइना नहीं, वैसे तो इंडिया ही बनाते हैं इसे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को फुल मेड इन इंडिया देखने को मिलता है। इसमें लिखा हुआ भी है, इसको मैं समझ आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, मेड इन इंडिया की है, जो कि आपको कंपनी यहाँ पे दिख रही होगी लिखी हुई। और ये दोस्तों आप लोगों की जो इंजन है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप लोगों का 124 cc का इंजन है। आप लोग देख सकते हैं सिंगल सिलेंडर के साथ इंजन है और वहीं पे ये पूरा का पूरा ब्लैक दिया गया है। देख सकते हैं आप लोग, ये ब्लैक है। और ये दोस्तों देख सकते हैं, जो इसकी टॉर्क की बात की जाए दोस्तों, और यहाँ पे 6000 RPM पे 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और वहीं दोस्तों 7500 RPM पे आप लोग को 7.9 की PHP देती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इसमें आप लोगों को। और यही इंजन आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन के साथ FI इंजन मिलता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को जो गियर्स दिख रहे हैं, ये आप लोगों को 5 gear के साथ, गियर बॉक्स के साथ आते हैं। ये 5 gear बॉक्स इसमें दिए गए हैं। और वहीं आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्रोम फिनिशिंग डिजाइनिंग के साथ मिलता है। थोड़ा मैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्रोम फिनिशिंग डिजाइनिंग के साथ मिलता है आप लोगों को। और यहाँ पे स्टिकर्स देख सकते हैं आप लोग, और यहीं पे 125 लिखा हुआ है, जो कि इससे पता चलता है कि 125 cc की बाइक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो आप लोगों को होंडा की बैजिंग देखने को मिलती है, ये देख सकते हैं आप लोग, 3D में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये बिल्कुल 3D में है और यहाँ पे आप लोगों को वाइट एंड ब्लैक की स्टिकर देखने को मिल जाएगी, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। और सबसे इसकी सबसे अच्छी कलर मुझको यही लगती है, और एक ब्लू कलर की भी आती है। तो ब्लू कलर में आप ले सकते हैं, चाहे इसे रेड मेटालिक कलर ले सकते हैं, आप लोगों की पसंद के ऊपर है। और वहीं पर आप देख सकते हैं इसकी टैंक है, ये आप लोगों को 10.5 liter की टैंक देखने को मिल जाएगी। और यहीं पे देख सकते हैं E20, ये न्यू मॉडल निकली हुई है, तो E20 यहाँ पर देख सकते हैं। और वही दोस्तों, यहाँ पे हैंडल बार में चलते हैं, देखिए हैंडल बार। तो ये देखिए हैंडल बार में, ये आप लोग को जो इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा, और वहीं पे आप लोग देख सकते हैं हॉर्न का स्विच है। और वहीं पे देख सकते हैं इस साइड से जो ये है पास स्विच है, ये इसको आप पास स्विच बोल सकते हैं या है भी। और यहाँ पर देख सकते हैं इसे, इस वाले हैंडल बार में, तो यहाँ पे आप लोगों को इंजन क्विल और इंजन स्टार्टअप बटन देखने को मिल जाएगा। यहीं पे मतलब आप लोगों को फ्यूल बचत में ये ली गई है मैक्सिमम, आप लोग इसकी फ्यूल बचत के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कभी ट्रैफिक में है तो आप लोग अपना इंजन यहीं से बंद कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों, इसकी जो चाबी है, ये देखिए कुछ इस प्रकार की चाबी है इसकी। तो फ्रेंड्स, यहीं पर देख सकते हैं इसकी जो चाबी है, ये नॉर्मल सी एक चाबी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, एक नॉर्मल सी चाबी है, मैं उतना भी आप लोगों को प्रीमियम क्वालिटी नहीं बता सकता हूँ। और वहीं पे आप लोग देख सकते हैं, पहले आइए पहले इस बाइक को पूरी पूरा आप लोगों को रिव्यू करके दिखा देते हैं। तो इधर ये देखिए, साड़ी गार्ड है, जो कि आपको किसी और कंपनी के बाइक में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो देख सकते हैं ये वाला स्टाइल सिर्फ इस होंडा में ही देखने को मिलती है। यही मैं एक यूनिक से चीज़ देखता हूँ कि सबसे अलग ये कंपनी लगाती है। वैसे तो TVS और जो हीरो की बाइक होती हैं वो दूसरा साड़ी गार्ड यूज़ करती हैं, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पट्टियाँ होती हैं जो काफ़ी चौड़ी चौड़ी लगा दी जाती हैं, तो इसमें अलग से ये चीज़ें दी जाती हैं। और वहीं पे देख सकते हैं आप लोग, 5 adjustable सस्पेंशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 5 adjustable सस्पेंशन है, इसको अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी है कितने हाइट पर चलाना चाहते हैं, या आप लोगों की मर्ज़ी है कितनी वज़न ढोना चाहते हैं, या आप लोगों की मर्ज़ी है, तो ये सब आप जाने। और वहीं पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये आप लोगों का चैन कवर है, ये आप लोगों का प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, तो ये आप लोगों को
हर कंपनी में आप लोगों को प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें अब कंपनी थोड़ा अपना अपनी ओर से कुछ जो चीज़ें थी जो मेटल की चीज़ें थी वो हटा चुकी हैं और प्लास्टिक की लगा चुकी हैं। तो सब कंपनियों में ये सब हो चुका है, एक ही कंपनी में नहीं, तो काफ़ी पहले से ये सब बदलाव किए गए हैं। ये नहीं कि एकाएक बदलाव किया गया इसी 2023 में ही बदलाव किया गया, नहीं, ये काफ़ी समय से पहले से ही ये सब इम्प्रूवमेंट हुई है इसमें। अब दोस्तों इसकी बारी आती है मीटर कंसोल की, तो आइए पहले इसके मीटर कंसोल को देखिए ये किस प्रकार का दिखता है। आप लोग देख सकते हैं, इधर आइए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मीटर कंसोल की, तो यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लोगों का फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिलता है, कितना फ्यूल है कितना नहीं है, आप लोगों की बाइक कितनी इसमें पेट्रोल है कितना नहीं है, तो सब आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और वहीं पे दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टार्ट करके दिखा सकता हूँ, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अभी कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे कनेक्शन नहीं, इसके वजह से यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही बाइक। तो देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार की थी, तो सामने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इसकी बात की जाए, ये स्टैंड जो है इसमें आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिल जाता है। तो इसमें ये होता है कि जैसे कि ऑटो कट होता है, अगर ये स्टैंड लगा है तो यहाँ पे आप लोगों को बाइक स्टार्ट होने को नहीं मिल सकती है, तो आप लोगों की बाइक स्टार्ट ही नहीं होगी। यहाँ पे देखिए चाबी, ये चाबी यहाँ पे से आप लोग इस सीट को ओपन कर सकते हैं चाबी लगाकर। तो फ्रेंड्स अब इधर से देखिए, इधर से देख सकते हैं आप लोग, जो इधर की भी चीज़ें हैं सेम उसी तरह हैं जो इधर की थी, सेम दोनों तरफ देखने को मिलेगा। इधर भी आप लोगों को होंडा की साइनिंग ही देखने को मिलेगी, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसकी जो टैंक है वो आप लोगों को 10.5 लीटर के टैंक देखने को मिल जाएंगी। और इधर देख सकते हैं आप लोग, ये भी चीज़ें बिल्कुल सेम ही हैं, बट यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा किक, एंड यहाँ पे आप लोगों को ब्रेक पैड देखने को मिल जाएगा। और इधर की जो चीज़ें हैं, साइलेंसर में जो है क्रोम फिनिशिंग दी गई हैं, जो कवर है क्रोम में ही आता है, आप लोगों को मेटल में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी तगड़ी क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी के साथ आप लोगों को साइलेंसर देखने को मिल जाएगा। और वहीं पे दोस्तों अब आइए इधर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जो पीछे के टायर्स हैं ये भी ट्यूबलेस देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, जो ड्रम ब्रेक है आप लोगों को 130 mm का देखने का मिल जाएगा। तो ब्रेकिंग भी अच्छी है, आगे डिस्क ब्रेक है पीछे ड्रम ब्रेक है, तो आप समझ ही सकते हैं आगे भी, मतलब आगे कुछ अच्छी खासिंग फीचर है, और यहाँ पे आप लोगों को कुछ अलग ही देखने को मिल जाएगा। तो दोनों में दोस्तों अभी तो ड्रम ब्रेक के साथ ही आ रही है पीछे की, और आगे आप लोग देख ही सकते हैं उसमें डिस्क ब्रेक है, तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि क्या चीज़ इसमें है क्या चीज़ नहीं है। और दोस्तों वही आप लोगों की बात की जाए, यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी आप लोगों को साइनिंग है, साइन की जो बैजिंग है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और इधर भी आप लोग देख सकते हैं सेम ही पोर्शन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग का लोकेशन पड़ रहा है यहाँ पे, आप लोग आ सकते हैं, जो कि यूपी के मऊ ज़िले में प्रकाश हॉस्पिटल जो ब्रह्मस्थान पड़ता है, प्रकाश हॉस्पिटल के सामने ही है, बिल्कुल उसके सामने ही है। आप लोग यहाँ पे आके कंफर्मेशन करा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता कर सकते हैं। और दोस्तों ऑन रोड प्राइस काफ़ी सस्ती पड़ रही है यहाँ पे, और आके प्लीज़ अगर हमारे चैनल के साथ देख रहे होंगे, इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आइए और कभी यहाँ पे जरूर बताइएगा कि हम लोग चैनल के माध्यम से आए हुए हैं, तो आप लोगों को काफ़ी छूटें मिलेंगी, आप लोगों को छूट भी मिल सकती है, 1000-2000 की छूट मिल सकती है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा यहाँ पे कि हम लोग चैनल के माध्यम से आए थे। तो आप लोगों को लोकेशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा। मऊ ज़िले से हम लोग पढ़ते हैं, और मऊ ज़िले से हम लोग हर एक एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग किस बाइक पे रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और कॉल कर पूरा कन्फर्मेशन करा लीजिएगा। तो ऑन रोड प्राइस की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को 97,300 की बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। तो आप लोग भी अगर नियर अबाउट कहीं देखने को मिलता है तो वहाँ पर भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि क्या प्राइजेज़ हैं और यहाँ के क्या प्राइजेज़ हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही मस्त वीडियो के साथ बने रहिएगा। और हम लोग काफ़ी वीडियो लाने वाले हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं, तो इस समय तो कुछ टाइम नहीं था, इसके वजह से हम लोग की वीडियो थोड़ी उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं गई, बट कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छी वीडियो बने। जय हिंद जय भारत, और इसी जोश के साथ आपसे अलविदा लेते हैं।